सेक्शन है, यहाँ पे एक एनवेलप दिया हुआ है। अब इस एनवेलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ हो सकता है लंदन लिखा हो सकता है क्लिफ्टन लिखा हो, बट ड्यू टू सम रीजन यहाँ पे सिर्फ टू कंसेक्यूटिव लेटर्स ON सिर्फ यही जो एनवेलप के ऊपर विजिबल है, बाकी के लेटर्स दिख नहीं रहे हैं। तो अगर आप लंदन में ध्यान से देखें तो यहाँ पे टू टाइम्स ON है, क्लिफ्टन में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ सिंगल टाइम्स ON है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो ON है ये लंदन का हो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एंड ये जो ON है हो सकता है कि क्लिफ्टन का हो, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्लियरली बेस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो भी एड्रेस लिखा हुआ हो सकता है लंदन लिखा हुआ होगा, हो सकता है क्लिफ्टन लिखा हुआ होगा, तो इसके लिए दो इवेंट बना लीजिए। तो लेट E1 एंड E2 बी द टू इवेंट, मीन्स यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं वो लंदन के हों। तो लेटर्स हैज कम फ्रॉम द वर्ड लंदन, ये मान लीजिए E1 इवेंट, और E2 इवेंट हो सकता है ये सारे लेटर्स क्लिफ्टन के लिखे हो, ये क्लियर। अब इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ हमें दिख क्या रहा है ON, तो इसके लिए एक इवेंट बना लीजिए, ए ओनली ON इज विजिबल और सेलेक्टेड फ्रॉम टू कंसेक्यूटिव लेटर्स, ये क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे लंदन लिखा हो सकता है या फिर क्लिफ्टन लिखा हो सकता है, तो लंदन लिखा हुआ हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो दो में से एक होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। हो सकता है क्लिफ्टन लिखा हुआ हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी हो जाएगा 1/2, ये क्लियर। अब मान लेते हैं कि लंदन लिखा हुआ हो और उसमें से सिर्फ हमें अब ON बस दिखाई दे रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E1। तो देखिए यहाँ पे कितने कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, तो देखिए टू कंसेक्यूटिव लेटर्स देखना है, तो एक तो LO है, फिर ON, फिर ND, फिर DO, फिर ON। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 फाइव जो है टू कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, जिसमें से टू टाइम्स जो है ON दिख रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/5, ये क्लियर। अब अगर यहाँ पे क्लिफ्टन लिखा हुआ हो और उसमें से सिर्फ ON दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E2 ये क्या बनेगा, तो यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव लेटर्स कितने बन रहे हैं पेयर, तो देखिए एक तो CN, फिर LI, फिर IF, फिर FT, फिर TO और फिर ON, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें से सिंगल टाइम्स ON है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, ये क्लियर। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे बेस थ्योरम यूज कीजिए, तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमें फाइंड करनी है कि सिर्फ ON दिख रहा है और ये जो है लंदन का है, ये क्लियर। ये फर्स्ट केस पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आफ्टर ए ये हमें फाइंड करना है, तो ये कब पॉसिबल है, तो इवेंट इवेंट यहाँ क्या बनेगा कि हो सकता है कि यहाँ पे पहले लंदन लिखा हो और लंदन में से सिर्फ ON दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E1 ये आ जाएगा, ये बन जाएगा इवेंट। अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, ओवरऑल पॉसिबिलिटीज, हो सकता है यहाँ पे पहले से लंदन लिखा हुआ हो और उसके बाद लंदन में से सिर्फ ON दिख रहा हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E1। और दूसरी केस क्या बनते हैं, हो सकता है क्लिफ्टन लिखा हो और उसका ON बस दिख रहा हो, तो ए आफ्टर E2, ये क्लियर। तो ये बन जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E1 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E1 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E2 1/6, ये बन जाएगा। अब अगर हम हर टर्म से 1/2 कैंसिल कर दें, तो यहाँ से ये आ गया 2/5 और यहाँ नीचे 5 और 6 का LCM 30, तो यहाँ पे आ गया 2 × 6 = 12, 1 × 5 = 5, तो ये बन गया 2/5 × 30/17, ये 6 टाइम में कैंसिल 12/17, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें, तो सेकेंड केस में देखिए, अगर लंदन का ये ON नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्लिफ्टन का होगा, तो हम इसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि 1 − 12/17 कर दे, तो ये आ जाएगा 5/17, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर यहाँ पे बेस थ्योरम यूज करना है,
तो देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ई टू आफ्टर ए बनेगा, यहाँ पे चेंज कर दीजिए ई टू, यहाँ पे ई टू, यहाँ पे ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई टू वन अपॉइंट सिक्स, यहाँ पे चेंज हो जाएगा वन अपॉइंट सिक्स, यहाँ पे चेंज हो जाएगा वन अपॉइंट सिक्स, सिक्स फाइव या थर्टी, तो ये आ गया फाइव अपॉन सेवेंटी। तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं।